दोस्तों आईपीएल साल 2021 का सीजन अब अपने अंतिम चरणों पर पहुंच चुका है। केवल गिने चुने ही मुकाबले अब रह गए हैं, बट दोस्तों आज का मुकाबला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि ये एक डिसाइडर मुकाबला हो सकता है जो कि एमआई और आरआर के बीच होने वाला है। ये डिसाइड करेगा नंबर 4 के ऊपर कौन रहेगा। 3 टीमें अभी दावेदार है। खैर दोस्तों, यहाँ सभी टीमें जो अभी क्वालिफाई कर चुकी है यहाँ जरूर चाहेंगी कि वो और टॉप पर जाए। खैर आज बात करने वाले हैं हम कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में। टीम केकेआर का आगे आने वाला एक आखिरी मुकाबला बचा है जो कि राजस्थान रॉयल्स से रिलेटेड है। दोस्तों उनका आखिरी मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट होगा और मैं कनेक्शन आपको बता ही चुका हूँ आज के मुकाबले के लिए। खैर दोस्तों, काफ़ी सारी अपडेट्स टीम केकेआर की तरफ से आ रही है। आज हम अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, चाहे इंजरी अपडेट हो या चाहे मॉर्गन की अपडेट हो, तो सारी अपडेट मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक देखना। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार और नंबर 1 फैंटेसी ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है माय 11 सर्कल। और इसकी खास बात यह है जिससे कि दूसरे ऐप्स के आसपास भी नहीं है, नंबर 1 पर पहुंचता है। इसकी जो प्राइस अमाउंट है ना वो 5 करोड़ रुपए है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और अगर आप इसके अंदर टीम बनाकर राशिद खान या लक्ष्मण की टीम को हराते हो तो आपको आपकी विनिंग का 5 गुना ज्यादा अमाउंट मिल जाएगा। और अगर नीचे दी हुई लिंक से अभी डाउनलोड करते हो तो 1500 रुपए वेलकम बोनस है, 20% एक्स्ट्रा कैश आपको मिल रहा है और जो आपकी विनिंग है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाती है, जो कि पूरी तरह से सेफ है। तो दोस्तों किस बात का इंतजार है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दी हुई है, अभी जाकर डाउनलोड करो माय 11 सर्कल। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का इतिहास साल 2014 वाला वापस दोहराया जा सकता है। नीचे से उठी टीम फाइनल जीती थी साल 2014 के अंदर, आप सभी को पता ही होगा। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके अपनी राय दे दो, क्या मॉर्गन और गंभीर वही वाला जो दाव खेल सकते हैं, क्या गंभीर का जो रोल था वो निभा सकते हैं, ट्रॉफी जीतेगी या नहीं। टॉप अपडेट्स की अगर बात करें तो पहली अपडेट आ रही है ऑयन मॉर्गन को लेकर। तो रिसेंटली दोस्तों ऑयन मॉर्गन ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट यहां पर दिया है, हालांकि वो स्टेटमेंट टिम साउथी के ऊपर है। तो यहां दोस्तों मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये स्टेटमेंट, ये न्यूज़ कुछ लोगों को अच्छी लगेगी तो कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है। जहां उन्होंने बताया है कि टिम साउथी जो है उनका टीम पर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है, बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। यहां जब आप कोई भी टीम खेल रही हो और 2 से 3 बड़े बड़े खिलाड़ी इंजर्ड हो जाएं, बाहर हो जाएं, जैसे कि हमारे पैट कमिंस है, लॉकी फर्गसन और आंद्रे रसल वो नहीं है, तो इस मोमेंट के ऊपर इस कठिन समय में टीम को चाहिए एक सीनियर खिलाड़ी। और टिम साउथी जो है वो हमारी तरफ से पूरी तरह से कारगर साबित हुए, हालांकि कुछ मैचेस में अंदर यहाँ टिम साउथी पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए, रन देते हैं, बट यहाँ जो एक सीनियर कंपेनियन चाहिए होता है वो टीम के अंदर था। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके अपनी राय दो, आपको क्या लगता है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो आखिरी लीग मुकाबला है केकेआर का, उसमें टिम साउथी खेलेंगे या फिर बाहर बैठेंगे। अगली अपडेट आ रही है शुभमन गिल को लेकर। तो रिसेंटली शुभमन गिल ने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस फाइनली दिखाई दी है, जिस तरह से हम मिस करते थे शुभमन गिल को, पुराने शुभमन गिल को। इंटेंट भी काफ़ी अच्छा था और टीम मुश्किल में थी, वहाँ से उसको निकाला। वरना दोस्तों अगर जो शुभमन गिल नहीं है, सही बताऊँ तो शुभमन गिल नहीं होते तो केकेआर वो मुकाबला नहीं जीत पाती, क्योंकि आप सभी जानते हो कि यहाँ पर नीतीश राणा भैया ने क्या क्या हरकतें कर दी थी, यहाँ टेस्ट मैच बना दिया था T20 को। खैर दोस्तों हो सकता है उनकी भी कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो, खैर वो सब भूल जाते हैं। यहाँ जो शुभमन गिल है उनकी तरफ से बड़ी अपडेट आई है, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर एक टाइम पर विकेट्स गिरते रहे और प्रेशर बिल्ड होता रहा। ये मैच काफ़ी क्रूशल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था और 2 पॉइंट हमें चाहिए ही चाहिए थे। टाइम के बाद हमें रन रेट भी बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे बॉलें खाली निकल रही थी, बट जैसे ही टाइम आउट हुआ, टाइम आउट से पहले भी मेरा माइंडसेट यही था, बट यहाँ पर टाइम आउट के बाद जो कप्तान मॉर्गन थे उन्होंने बोला कि आप अपना अटैकिंग गेम खेलिए, पॉइंट्स की चिंता मत कीजिए, रिजल्ट की चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि जीत हो या हार हो इसके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो कप्तान की होने वाली है। तो आप एज अ प्लेयर फिनिश कीजिए गेम को और जितना ट्राई कर सके अच्छा खेलने का उतना खेलिए। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर शुभमन गिल ने साफ तारीफ करते हुए बता दी है मॉर्गन की। अगली अपडेट आ रही है इंजरी को लेकर। तो यहाँ रसल और फर्गसन इंजर्ड थे, ये आप सभी जानते हो, और यहाँ उनके बिना भी टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है। तो अगर उनके बिना भी टीम खेले तो अभी कोई इशू तो नहीं है, एक लीग मुकाबला बाकी है। बट यहाँ दोस्तों कभी कभार होता है कि जब प्लेयर वापसी करते हैं तो टीम, जिस टीम में वो वापसी कर रहे हैं वो टीम हार जाती है। खैर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ केकेआर मैनेजमेंट ने हालांकि कन्फर्म कर दिया है कि लास्ट लीग स्टेज मैच के अंदर यहाँ पर अवेलेबल रहने वाले हैं दोनों ही खिलाड़ी, जो कि फर्गसन होने वाले हैं और आंद्रे रसल होने वाले हैं। प्लेइंग 11 चेंज होगी तो मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बता दूंगा। दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दी है, माय 11 सर्कल डाउनलोड करना ना भूलें। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर। तो ये थी टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी जरूर लाइक करो।